हेलो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम चर्चा करेंगे 2024 के मोस्ट अवेटेड, या यूँ कह सकते हैं 2024 के सात ऐसे बड़ी पिक्चर जिसके बजट, प्रोडक्शन कंपनी, डायरेक्शन के हिसाब से या स्टार कास्ट के हिसाब से अपने आप में बहुत बड़ी पिक्चर है जो 2024 में रिलीज होगी। तो क्या है इसका अपडेट और कौन कौन सी मूवी है, इस सब बात को आपको हम बताने वाले इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट हमेशा वैल्यूएबल होता है मेरे लिए। जब भी मौका मिलता है, आपने देखा होगा कि मैं हर आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। कई बार आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब निगेटिव बातें भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्रयास करता हूँ कि उसका जवाब दे सकूँ, या अगर वो उनका कोई ऐसी बात है जिसको मैं अपने वीडियो में ला के उसमें चेंजेस ला सकूँ तो प्रयास करता हूँ। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। पहला पिक्चर है जो कि प्रभास की मूवी है, कल्कि। और कल्कि का जो बोल सकते हैं कि उसका टीजर का डेट भी आने वाला है और रिलीजिंग डेट पे भी बड़ी खबरें आने लगी है कि वो 2024 में कब आने वाली है। इसके प्रोड्यूसर है अश्विनी दत्त, प्रियंका दत्त, स्वप्ना दत्त, डायरेक्टर है नाग अश्विन, प्रभास, दीपिका, इसमें काफ़ी बड़े स्टार कास्ट हैं, अमिताभ बच्चन हैं, डल्केन सलमान हैं। और मूवी जो मैंने बोला ना कि बहुत बड़े बजट की मूवी है ये सातों, तो 600 करोड़ आप बोल सकते हैं, 600 करोड़ की इसकी बजट है। और इसका जो 70% जो शूटिंग, मतलब 70% की शूटिंग हो चुकी है। बहुत जल्दी आपको टीजर और इसका टीजर देखने को मिल जाएगा अगस्त के पहले ही। और ये जो प्लॉट है ये आपको बोल सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण का कल्कि अवतार है उसके ऊपर आधारित है, जो कि ईसा पूर्व 3200 से लेकर और 27 ईसा पूर्व तक 27 ईस्वी तक का है। ये पूरा 6000 साल का एक तरह से देखा जाए तो मूवी है। दूसरा मूवी आती है जो मेरा भी बोल सकते हैं फेवरेट मूवी है और एक्टर भी फेवरेट है, और मूवी का पार्ट वन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा, अल्लू अर्जुन का पुष्पा। आज भी आप देखेंगे, मैं कल ही देख रहा था मूवी दोबारा, मतलब आपको उठने का मन नहीं करेगा, जबकि मैं 2-3 बार मूवी देख चुका हूँ। अल्लू अर्जुन के स्टाइल, उसका डायरेक्शन का जो जिन्होंने डायरेक्ट किया है, कितना हर चीज़, मतलब आप कितनी बार भी देखेंगे ना तो आप बोर नहीं होंगे। तो सुकुमार की ये दूसरी पुष्पा 2 आ रही है, जिसका रिलीज डेट 15 अगस्त 2024 को बताया जा रहा है। साईं पल्लवी, रश्मिका मंदाना इसमें, और बजट कम से कम 500 करोड़ का बजट है। या मैं तो पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एक सीन पे उन्होंने करीब करीब 61 करोड़ रुपया खर्च किया एक सीन के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते बजट के हिसाब से भी बड़ी मूवी है। तीसरी मूवी है कंगुआ, जो कि आप जानते हैं इस मूवी का भी बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे होंगे जो भी बॉबी देओल के फैन हैं, क्योंकि बॉबी देओल एनिमल के बाद एकदम आजकल बोल सकते हैं कि टॉप पे चल रहे हैं। उनके पिक्चर का लोग वेट कर रहे हैं, उनके न्यूज को लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके हर चीज़ को, स्टाइल को, मतलब इंस्टाग्राम पर जाके देखिए पूरा भरा हुआ है बॉबी देओल के लेकर। और ये मूवी भी बजट के हिसाब से भी बहुत बड़ी मूवी है, देखा जाए तो सूर्या के हिसाब से भी, सूर्या की ऐसी पहली पिक्चर होगी जो इतने बड़े बजट पे स्केल पे बन रही है। और कई बार आता है 11 भाषा में बन रही है, सोचिए बजट है 300-350 करोड़, मतलब 300 से लेकर 350 करोड़ का बजट है। डायरेक्टर शिवा है। तो कंगुआ की कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ कि एक मतलब बोल सकते हैं कि 7वीं शताब्दी 6 शताब्दी के ईस्वी का ये पूरा जो स्टोरी है वो है, जिसके ऊपर एक डेविल और डेमन और दूसरा जो अच्छे लोग हैं उनके बीच की लड़ाई है, जिसमें उदयन का रोल कर रहे हैं बॉबी देओल। तो ये कहानी है और इतना बड़ा बजट की मूवी है। इसका भी पहले 11 अप्रैल को बोला था रिलीज करने के लिए, लेकिन अभी मेकर्स ने 11 अप्रैल का डेट हटा दिया और केवल लिखा है 2024 में रिलीज होगी। तो अभी इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है और कहीं खबर नहीं आ रही कि मूवी कब रिलीज होगी। इसका ट्रेलर भी बड़ा आने वाला था लेकिन आया नहीं, केवल टीजर ही आया हुआ है।
उसके ऊपर भी कोई खबर नहीं आ रही है। चौथा मूवी है देवरा। आप जूनियर एनटीआर को भी आप कम मत आके, जूनियर एनटीआर की जो मूवी है वो भी अपने आप में आरआरआर या कोई भी उनकी मूवी उठा दीजिए, आज जूनियर एनटीआर पैन इंडिया स्टार है। उनकी मूवी जो देवरा है वो कोरताला शिवा डायरेक्टर है, इसके प्रोड्यूसर हैं कोसा राजू हरि और नंदमूरी कल्याण। जूनियर एनटीआर के साथ जना किली कापून है, सैफ अली खान है और जानवी कपूर है एक्ट्रेस। 10 अक्टूबर को 2024 को इसका टाइम है रिलीज करने का। प्लॉट है वन माफिया जो होते हैं उनके ऊपर, खदान के ऊपर लड़ाई है सब, तो उसमें देखा जाए दो तरह का रोल है जूनियर एनटीआर का, जैसा कि खबरें आ रही हैं। देखते हैं रिलीज होने के बाद, ऐसा शायद खबर भी है कि सैफ अली खान और जूनियर एनटीआर दोस्त होते हैं, बाद में दुश्मन हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्रशांत नेम की मूवी जो आई थी सालार, उसमें जो विजय सुकुमारन है वो प्रभास है, उनके आपस में बाद में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद पांचवी मूवी आती इंडियन 2। ये 1996 में कमल हसन की मूवी आई थी इंडियन, काफ़ी हिट हुई थी पिक्चर, स्पाई थ्रिलर बोल सकते हैं। इसका बजट भी 300 करोड़ है, काफ़ी बड़ा बजट है, और आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टर एस शंकर है, कहानी भी उन्होंने लिखा है, प्रोड्यूसर है सुभाषकरण अल्ले राजा। ये बेसिकली तमिल मूवी है और ये भी स्पाई थ्रिलर है, जैसे कि आपने देखा होगा जब इंडियन पहला वॉल्यूम आया था तब। तो ये भी इसी 2024 में रिलीज होने वाली है, डेट इसका पक्का नहीं है लेकिन बताया जा रहा है दिसंबर में ये मूवी रिलीज हो सकती है। अब आते हैं, आपने कंतारा देखा होगा, कंतारा आने के बाद से जो ऋषभ शेट्टी हैं वो इसमें हॉट प्रॉपर्टी हैं। उनकी पिक्चर का जो कंतारा 2 है उसका टीजर भी बहुत स्मॉल टीजर आया था, काफ़ी लोगों ने अप्रिसिएट किया था उस टीजर को। और उसके बाद कंतारा 2 जो आने वाली है ये भी बनवासी के ऊपर जो है, उनके वहाँ पे कैसे लड़ाई होता फास्ट थी वन को संरक्षण के लिए, ऐसा वो मूवी भी उसी पर आधारित है। और ये मूवी भी 150 करोड़ पे अब बन रहा है, काफ़ी उन्होंने बजट को बढ़ा दिया है। ये भी दिसंबर 2024 में रिलीज का टाइम है। अब छठा मूवी जो आता है वो है सिंघम। सिंघम जो रिटर्न है बोल सकते हैं, वो 200 करोड़ की बजट है, रईस शेट्टी की पिक्चर है जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर। ये मूवी में थोड़ा सा 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी 2024, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो ऐसी आ रही है कि चूंकि पुष्पा 2 रिलीज हो रही है उसकी वजह से इन्होंने अपना डेट टाल दिया। अब कहने के ये कह रहे हैं कि पिक्चर की शूटिंग का अभी कुछ टाइम बाकी है, इसलिए अभी वो शूटिंग को पोस्टपोन किया है। तो अब तो जो भी है, लेकिन पुष्पा 2 को मैच करना या उसके साथ क्लैश करना मुझे लग रहा है अक्षय कुमार को समझ में आया होगा, घाटे का सौदा होगा या जो भी वॉइस सिटी को भी लगा होगा, और कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता आज के टाइम में। तो ये थी मेरी 7 जो मोस्ट अवेटेड मूवी है बजट के हिसाब से, जो भारी भरकम बजट पे मूवी बन रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं वो जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में किसी अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।